30-40। श्रील प्रभुपाद को भी जाते हुए कितने साल हो गया? 47 साल। 77 में गए थे ना श्रील प्रभुपाद, 45 साल हो गया। लेकिन अभी भी श्रील प्रभुपाद का यश कहाँ पे हो रहा है? एवे यश पुशो त्रिभुवन। आपको जान के आप जानते ही है, हैरान होगा कि श्रील प्रभुपाद की आरती हर क्षण पे हो रही है, क्योंकि टाइम जोन अलग अलग है ना। तो श्रील प्रभुपाद की आरती कहाँ पे हो रही है? हर क्षण पे हो रहा है, पूरे विश्व में है। वो सबसे बड़ा धन है, बाकी का धन का कुछ गारंटी है? हम प्रभु जी से कुछ 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी आप रिटायर हो गए हैं, आप धन कहाँ से लाते हो? मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, प्रभु जी बोले FD है, ये है, वो है, नहीं तो बच्चे खा जाएंगे या और कोई खा जाएंगे है ना। तो सबसे बड़ा धनी यहाँ पे बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ा धनी। द्वेता सबको बुलाए, मुरारी गुप्ता, तो जब खुला बेचा श्रीधर को बुलाए तो महाप्रभु बोलने लगे, तुम सबसे धनी इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास राधा कृष्ण का प्रेम है, धन है। हरी बोल। तो तुम्हारे पास कृष्ण का प्रेम है, तुम्हारे पास है, इसीलिए मैंने बोला तुम सबसे धनी हो। बाहर के धन के दृष्टि से नहीं।